गोरखपुर के ब्लॉक पाली के ग्राम पंचायत कोदरी के टोला डिहुली पार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में चयनित लाभार्थी किरण पत्नी रुदल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के शुभारंभ के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों के महिलाओं के साथ ही किरण को भी प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किरण से योजना के लाभ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पहले लकड़ी बीनकर लाना पड़ता था, उसमें काफ़ी समय लग जाता था, बरसात के मौसम में लकड़ी भीग जाने से भोजन बनाने में परेशानी होती थी, लकड़ी भीगने के कारण कई बार तो भूखे सो जाना पड़ता था, गैस मिल जाने से समय की बचत और जिंदगी सरल हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थी से जीवन यापन का जरिया पूछा तो उन्होंने कहा कि बांस से बेना डलिया सिलाई कढ़ाई का कार्य करती हूं और पति बाहर रहकर काम करते हैं। लाभार्थी किरण के बगल में बैठी उसकी बेटी साधना से प्रधानमंत्री ने उससे पढ़ाई और खेल कूद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं 12वीं की छात्रा हूँ और खेल कूद में प्रतिभाग नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से कहा कि उज्ज्वला गैस के अपने सुखद अनुभव को ज़रूर साझा करें जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अंत में महिला ने पीएम मोदी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आभार व्यक्त किया। वर्चुअल संवाद के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, SDM सुरेश कुमार राय, DSO रामेंद्र प्रताप सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, BDO चंद्रशेखर कुशवाहा, राकेश मौर्य, प्रधान मनोज, सेक्रेटरी विजय कुमार मौर्य, हेमंत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, निधि गौड़ सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लाभार्थी किरण ने कहा, पोखरा गढ़ाई तालाब है ऊपर बेदखल घर दुकान सब बनवाते कुछ पलों बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। निश्चित रूप से ये वर्चुअल या आभासी उपस्थिति होगी, लेकिन मैं जानती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व ऐसा है कि भले। किरण जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। किरण जी बताइए, ये आपके साथ किसको बिठाया है आपने? ये हमारी बिटिया है। क्या नाम बेटी का? साधना नाम है। सुनाई नहीं दिया, क्या नाम बेटी का? साधना, साधना नाम है। अच्छा, पढ़ती है बेटी जी? अच्छा, और आप परिवार में और कौन क्या करते हैं? सर हमारे पति काम करते हैं बाहर और हम रोजगार का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं, बेना बनाते हैं, पंखे बनाते हैं और जो डलिया बनाते हैं उसके साथ सिलाई करते हैं और अंत्योदय जो ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हम समूह भी चलाते हैं। तो समूह सखी ये गैस मिलता है, इस बात का आपको पता कैसे चला? सर हमारे अनुभव HP गैस कनेक्शन से हमारे जो भैया लोग हैं हमारे वहाँ से आए थे और यहाँ पे कैंप लगा के हम लोगों को बताए थे। अच्छा, तो बेटी पढ़ती है तो उसको अभी खाना वाना पकाना सिखाया होगा तो उसको तो गैस से खाना पकाना अच्छा लगता होगा? जी बहुत अच्छा लगता, गैस खत्म हो जाए तो कभी राजी नहीं होती खाना बनाने को। अच्छा, आपको ये गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी? बहुत। अब समय भी बचता होगा? हमारे पास पूरा समय बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे, शाम को आके ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। तब बारिश में तो एकदम सुविधा हो गई आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और हमारे जो HP गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आपका स्वयं सहायता समूह है
और आप खुद भी कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन का काम करती हैं। आपने इस योजना के बारे में आपके जो मंडल बना हुआ है सब महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसका लाभ बताया और उनको भी फायदा हुआ है क्या? जी जी बताया है, सब अपना अपना कारोबार करती हैं, जो है लेके करती हैं और अपना काम करके कोशिश करती हैं सर। यही लॉकडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ आप नजरिया उनके ऊपर। तो उनको उनको गैस कनेक्शन मिल गया जो हमने कर्ज लिया है? जी जी सबको मिल गया है, वो हमारे साथ ही पा गए हैं सब लोग। अभी जो मैं गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में पहुंचाता हूँ वो भी मिला है क्या उन सबको लोगों को? जी जी हर महीने मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है। अच्छा, बेटी कुछ कहना चाहेगी? बेटी क्या पढ़ती हो? इंटर में। अच्छा, खेल कूद में भाग लेती हो कि नहीं लेती हो? क्या सर? खेल कूद में हिस्सा लेती हो? नहीं सर, अभी नहीं लिए। नहीं लिया? मम्मी ली थी। किरण जी, ये जानकर संतोष हुआ कि आप लोगों को गैस कनेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप में से बहुत से लोगों के घर पर आकर ये सुविधा दी गई है। 2014 से पहले हमारे देश के गरीब को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, छोटी चीज के लिए भी उनको जाना पड़ता था। हम इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहनों से बात करने से ये लगा कि अब इन कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ है। जी हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जैसे हैं और पिता समान हैं, जो भी हैं, आपने हमारी मदद की, हम गरीब महिलाओं की दर्द को समझा। आप सब बहनों का आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद जिंदगी भर, हमारी उम्र लग जाए, आपको ऐसे ही आप बने रहे। सर गैस कनेक्शन हमको 2016 में, इससे पहले हमको बहुत दिक्कत थी, लकड़ी से खाना बनाना होता था, गोबर टूटने से बनाते थे और बरसात में तो सर बहुत परेशानी होती थी, जिससे हम कभी कभी खाना ही नहीं बना पाते थे, सब कुछ गीला रहता था इसलिए खाना नहीं बन पाता था, धुआं भी होता था, आँख भी खराब हो जाते थे, घर गंदे होते थे, कपड़े भी गंदे होते थे, बच्चों के और परिवार के पूरे स्वास्थ्य खराब हो जाते थे, इसलिए हमको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, जिससे हम संपूर्ण रूप से बहुत ही सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बहुत संपन्न हैं।